शिवाय। किसी भी राशि का वर्षफल बताने से पहले प्रत्येक ग्रहों के वर्तमान समय की स्थिति का परिचय आवश्यक होता है। एक निर्धारित नियम के अनुसार प्रत्येक ग्रह अपनी राशि बदलते हैं, नक्षत्र बदलते हैं और उसी अनुसार प्रत्येक जातकों पर उनका अपना अपना प्रभाव महसूस होता है। जिस राशि और नक्षत्रों में जैसी प्रवृत्ति जिस ग्रह की बनेगी, मित्र राशि हैं या शत्रु राशि हैं, उन सारे कारकों के अनुसार दैनिक जीवन प्रभावित होता है। वर्ष 2019 में पहले हम चर्चा करेंगे ऐसे ग्रहों की जो लंबे समय तक एक ही राशि में बने रहेंगे, जिसमें शनिदेव पहले नंबर पर आते हैं। शनिदेव वर्ष पर्यंत पूरे साल धनु राशि में ही चलते रहेंगे। हाँ, यह वक्री अवश्य होंगे। 1 मई से 20 सितंबर तक वक्री बने रहेंगे, पुनः वृश्चिक राशि में मार्गी हो जाएंगे। अब आइए देखते हैं राहु और केतु के लिए, जो कि 23 मार्च को कर्क राशि में वक्री होते हुए मिथुन राशि पर आ जाएंगे और केतु मकर राशि से धनु राशि पर गोचर करेंगे और वर्ष पर्यंत राहु मिथुन राशि और केतु धनु राशि पर ही चलते रहेंगे। बृहस्पति 30 मार्च को वृश्चिक राशि से धनु राशि में चले जाएंगे, मगर 9 अप्रैल से वक्री होकर पुनः 10 अगस्त तक वक्री अवस्था में ही बने रहेंगे और 5 नवंबर को पुनः धनु राशि में प्रवेश करेंगे। शेष समय धनु राशि में ही चलते रहेंगे। बाकी ग्रहों में सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र की त्वरित गति से राशि बदलने वाले ग्रह हैं, जो लगभग प्रत्येक माह ही राशि बदलते रहते हैं। उपर्युक्त सारे ग्रहों का सार्वभौमिक मिला जुला प्रभाव फलादेश के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। आइए चर्चा करते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य, कैसी रहेगी आजीविका, कितने सफल होंगे, क्या उतार चढ़ाव आ सकते हैं, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, विद्यार्थियों के लिए परीक्षा और प्रतियोगिता में कैसे और कब सफलता मिल सकती है, घर परिवार, पत्नी, मधुर संबंध और समाज के दायरे को लेते हुए आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। पहले मोटे तौर पर वर्ष पर्यंत मिथुन राशि के राशिफल का सारांश बताते हैं, फिर उसे विस्तार पूर्वक प्रत्येक विषय को लेकर चर्चा करेंगे। साथ ही उसमें वह समय जो आपके लिए विशेष उपलब्धियां देने वाला रहेगा उसकी भी चर्चा करेंगे। अंत में उन्हें आप नोट भी कर सकते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए सम्मानजनक रूप से यह वर्ष लाभ दिलाने वाला होगा। उन्नति मन मुताबिक मिलती रहेगी। यदि आपको स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं चली आ रही हैं तो उनकी परेशानियों का हल निकलने वाला है। फिर भी आपको स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां और डॉक्टरी सलाह लेते रहना चाहिए। आर्थिक उन्नति की संभावना मन मुताबिक बनी रहेगी। आय के स्रोतों में वृद्धि होगी। प्रतिष्ठित व्यक्तियों से संपर्क बनेंगे। माता पिता से सहयोग प्राप्त होगा। संतान पक्ष से भावनात्मक लगाव बना रहेगा। वाद विवाद और मुकदमेबाजी में विजय होंगे। व्यावसायिक स्थिति और नौकरी में जैसे जैसे समय बीतेगा उन्नति और सुधार मिलता जाएगा। परिवार में कोई धार्मिक मांगलिक कार्य संपन्न हो सकते हैं। साथ ही संपत्ति प्रॉपर्टी खरीदने के लिए यह वर्ष आपको पूरा सहयोग करेगा। आइए अब विस्तार से प्रस्तुत करते हैं। आपकी राशि के स्वामी बुध हैं। इस वर्ष के प्रारंभ से ही बुध की युति सूर्य और शनि के साथ बनी हुई है। मार्च तक की स्थिति आर्थिक मामलों में एक समान बनी रहेगी। हो सकता है कि अचानक आर्थिक लाभ भी मिले। कुछ मौके ऐसे आ सकते हैं जिसमें आपको मन मुताबिक आर्थिक लाभ मिल सकता है। बृहस्पति आपके छठवें घर में बैठे हैं और इनकी आजीविका पर पंचम दृष्टि और धन भाव पर नवम दृष्टि पड़ती रहेगी। आपके रुके हुए पैसे थोड़े से प्रयास से ही मिल सकते हैं। 6 फरवरी से और ज़्यादा सुधार महसूस होगा। यहाँ तक कि विरोधियों या शत्रु के पास फंसे पैसे भी आसानी से मिलने का योग बनता है। व्यवसाय नियत गति से चलता रहेगा और कार्य क्षेत्र में विशेष उपलब्धि हासिल करेंगे। नौकरी करने वाले व्यक्तियों के लिए यह समय बदलाव का होगा। नई नौकरी की तलाश कर रहे जातकों को मार्च और अप्रैल के महीने विशेष निर्णायक हो सकते हैं, मगर उसके बाद चुनौतीपूर्ण समय और संघर्ष की स्थिति महसूस हो सकती है। शिक्षा जगत से जुड़े लोगों के लिए विशेष उपलब्धि वाला समय रहेगा। उन्नति के अवसर को भुनाने का यह समय 30 मार्च से 9 अप्रैल तक का एक छोटा सा समय रहेगा, जिसमें नौकरी के अवसर मिल सकते हैं।
यदि व्यवसाय में है तो व्यावसायिक उत्थान के लिए यह समय अनुकूल रहेगा। न्याय के क्षेत्र में भाग्य आजमाने वाले व्यक्तियों के लिए भी यह समय स्वर्णिम होगा। कुछ दिनों के लिए बृहस्पति की युति शनि के साथ होगी, जो सफलता प्रदान करने के बाद यह युति समाप्त हो जाएगी, क्योंकि बृहस्पति वक्री अवस्था में फिर से आ जाएंगे। यदि आप धैर्य और संयम बनाकर रखें तो वर्ष के उत्तरार्ध में फिर से आपके मेहनत का फल मिलता जाएगा। अर्थ जगत और बैंकिंग सेक्टर के लिए भी यह वर्ष का उत्तरार्ध स्वर्णिम समय होगा। मनोवांछित काम होंगे और सफलता प्राप्त होगी। कैसा रहेगा स्वास्थ्य, आइए अब इसका अवलोकन करते हैं। पहले से चली आ रही कुछ स्वास्थ्य संबंधी शिकायतों में कमी आएगी, मगर यदा कदा मानसिक दबाव, अनावश्यक चिंता और व्यवहार में विनम्रता की कमी महसूस होगी। पेट में भारीपन और पेट के निचले हिस्से में जटिलताओं का उतार चढ़ाव हो सकता है। समस्याओं को नज़रअंदाज करना उचित नहीं होगा। मार्च के बाद राहु और केतु का परिवर्तन आपके स्वास्थ्य और व्यवहार को और संवेदनशील बना सकता है और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की पुनरावृत्ति हो सकती है। शनि और केतु की युति पेट और पेट के निचले हिस्से में जटिलताओं को बढ़ाने का कार्य करेंगे। क्योंकि यह युति वर्ष पर्यंत बनी रहेगी, इसलिए स्वास्थ्य संबंधी सावधानी आवश्यक है। समस्याएं ऐसे भी उत्पन्न हो सकती हैं जो कि चिकित्सक की नज़र में जल्दी नहीं आएंगे, जिससे ठीक और सटीक उपचार मिलने में देरी हो सकती है। कमर में जकड़न, न्यूरो की समस्या, हड्डी संबंधी समस्याएं और पेशाब संबंधी दिक्कतों से भी नकारा नहीं जा सकता है। खाने में संतुलित और सुपाच्य भोजन करना चाहिए। तेल मसाले कम खाएं, जिससे आपका लीवर सुचारू ढंग से अच्छे ढंग से काम करता रहे, और दूध में केसर डालकर नित्य सेवन करें, लाभ महसूस होगा। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, वर्ष पर्यंत आपकी आर्थिक स्थिति सामान्य से अच्छी बनी रहेगी। वर्ष के प्रारंभ में धीमी गति से वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। आपके बुद्धि कौशल का इस्तेमाल विभिन्न स्रोतों से आय की स्थिति को नियंत्रित करने में सक्षम होगा। हालांकि फरवरी और मार्च तक की स्थिति धन संबंधी मामलों में सुदृढ़ होगी, साथ ही जून और सितंबर का महीना भी वित्तीय मामलों में विशेष योगकारक होगा। मगर आपको चाहिए कि कोई भी वित्तीय निर्णय लेने से पहले अच्छे से सोच विचार कर ही कदम बढ़ाएं। दूसरे के द्वारा की गई सलाह पर अमल करना एक बड़ा जोखिम का काम होगा। साझेदारी से होने वाली आय में शुरुआती महीनों में थोड़ा समय लग सकता है, मगर वर्ष के उत्तरार्ध में अधिक लाभकारी होगी। यदि आप धैर्य और संयम से आर्थिक निर्णय लेते रहे तो वर्ष पर्यंत धनाभाव नहीं महसूस करेंगे और वर्ष के उत्तरार्ध में विशेष उपलब्धि हासिल करेंगे। विशेष सावधानी तब रखनी है जब बृहस्पति गोचरवश नवंबर में पुनः धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इस दौरान साझेदारी के कामों में वाद विवाद की स्थिति, दोषारोपण की संभावना हो सकती है और आपका अनुबंध टूट सकता है। हालांकि आपके द्वारा अन्य स्रोतों द्वारा बनाए गए माध्यम से आय की निरंतरता बनी रहेगी और वित्तीय रूप से सफल महसूस करेंगे। कैसे रहेंगे निजी संबंध, भावनात्मक जुड़ाव, परिवार और सामाजिक रिश्ते। स्वयं के स्वास्थ्य पर ध्यान देने के साथ ही साथ अपने पार्टनर के स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना आवश्यक होगा। शारीरिक और मानसिक तौर पर दबाव महसूस करते हुए भी आप एक निश्चित सीमा से अधिक सकारात्मक तालमेल बनाए रखने की कोशिश करते हैं। यह वर्ष संबंधों के निभाने के दृष्टिकोण से चुनौतीपूर्ण और उतार चढ़ाव वाला लगा रहेगा। जीवन साथी के प्रति वाद विवाद और मधुर संबंधों में कमी का संकेत भी मिलता है। मार्च के बाद शनि केतु की युति सप्तम भाव में ही वर्ष पर्यंत बनी रहेगी, जिससे बार बार विवादित होने या संबंध टूटने का खतरा बना रहेगा। यदि किसी की शादी तय हो चुकी है और अभी विवाह बंधन में नहीं बंध पाए हैं तो इस दौरान विशेष ध्यान रखें। दूसरे की सलाह या जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपके संबंधों में गांठ बना सकता है। इस दौरान ऐसे व्यक्ति भी मिलेंगे जो संबंधों को तोड़ने के लिए प्रेरित करेंगे। इस दौरान संबंधों में प्रतिष्ठा को लाना उचित नहीं होगा, धैर्य और संयम बनाते हुए रिश्ते को निभाना उचित होगा। प्रेम संबंधों के लिए भी यह वर्ष विशेष उतार चढ़ाव वाला होगा।
धर्म के नाम पर और आस्था के नाम पर धोखा खाने का अंदेशा भी बनता है। हालांकि नवंबर से संबंधों में मधुरता कायम होने लगेगी, पारिवारिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, व्यक्तित्व का विकास होगा, भौतिक सुख शांति और संपदा में वृद्धि होगी और आप धैर्य की परीक्षा में अपने आप को सफल महसूस करेंगे। निजी जीवन में किसी दूसरे की सलाह पर अमल करने से पहले खूब सोच विचार करके ही निर्णय लेना उचित होगा। अतः देश काल परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सामंजस्य बिठाकर संबंधों को निभाने की कोशिश करनी चाहिए। विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष विशेष उपलब्धि वाला होगा। विशेष तौर से ऐसे विद्यार्थी जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं और उन्हें इस वर्ष परीक्षा देनी है, बस सावधानी यह रखनी है कि अपने मन में भटकाव को न आने दें, भ्रम वाली स्थिति को दूर रखें। जो लक्ष्य आपने निर्धारित करके तैयारी की है उसके अनुसार ही परीक्षा दें। मन में यह भ्रम ना पालें कि हमने गलत ट्रैक चुन लिया। शैक्षणिक दृष्टिकोण से जुलाई और नवंबर के माह सावधानीपूर्ण ढंग से व्यतीत करें। एकाग्रता की कमी और आलस्य की मात्रा बढ़ी रहेगी। अप्रैल और मई का महीना प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सफलतादायक सिद्ध होगा और आपकी मेहनत सफल होगी। वर्ष के उत्तरार्ध में बृहस्पति, शनि और केतु की युति तकनीकी जानकारी, संबंधित विषयों में शोध और अध्ययन अध्यापन के दृष्टिकोण से विशेष उपलब्धि वाला होगा। विशेष उपलब्धि वाला समय 30 मार्च से 9 अप्रैल तक बना रहेगा। 16 अप्रैल से 11 मई, 2 जून से 20 जून, 11 सितंबर से 30 सितंबर तक इस दौरान धैर्य और संयम से काम लें। दूसरे की सलाह पर अमल करने से पहले गहन विचार करें और तब निर्णय लें। साथ ही मधुर संबंधों को हमेशा सकारात्मक रूप से निभाने की कोशिश करें, संवारने की कोशिश करें। क्या उपाय करें जिससे हर प्रकार की समस्याओं से राहत मिले और यह वर्ष निष्कंटक रूप से सफलता प्रदान करता रहे। अपनी बुआ, बहन, बेटी और स्त्री जाति को विशेष मान सम्मान दें। उनके प्रति अपना दृष्टिकोण आदर सूचक रखें। गरीबों की यथासंभव मदद करें और उनकी सेवा का मौका मिले तो पीछे ना हटें। अपने सेवक, नौकर, चाकर, चौकीदार इत्यादि को उपहार स्वरूप कुछ ना कुछ देते रहें। विशेष रूप से शनिवार को देने की कोशिश करें। गाय को घी लगी हुई रोटी खिलाएं। माँ दुर्गा और भगवान शिव की आराधना नित्य प्रति करें। साथ ही केले के पौधे में जल डालें। ईश्वर आपकी पूरी मदद करेंगे और आप हर क्षेत्र में सफल होंगे।